हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पुणे के वी एस एन बी एस यूपी एम पी झारखंड का जो पीजीटी बायोलॉजी 2008 से 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो हमारे एग्ज़ाम के सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं। और ये हम अलग सीरीज चल रही है जो 1778 क्वेश्चन से आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं उससे पहले आपसे बताना शुरू करें, उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1978 देख रहे हैं, ACDS सिस्टम इन द मेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसकी हिंदी भी आपको हम बताते चलेंगे। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि ACDS सिस्टम इन मेज वाज डिस्कवर्ड, यानी ये मक्के में जो सिस्टम डिस्कवर्ड किया था, खोजा था, तो किसने खोजा था? तो मक्के में ACDS सिस्टम की खोज मैक क्लिंटॉक ने 1950 में की थी। एसी अर्थात एक्टिवेटर, एसी का मतलब यहाँ जो एसी लिखा है इसका मतलब एक्टिवेटर है, और एक्टिवेटर तत्व ऑटोनोमस होता है, जबकि डीएस अर्थात डिसोसिएशन तत्व स्थानांतरण होते हैं। ये एक्टिवेटर होते हैं, एसी एक्टिवेटर, डीएस का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन यानी स्थानांतरण तत्व होते हैं। एक उत्प्रेरक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था इसके लिए। PBR322 इज ए फेमस, तो ये प्लाज्मिट है एक प्रकार का, और ये प्लाज्मिट क्या किया गया था, ये प्लाज्मिट आर्टिफिशियल प्लाज्मिट बनाया गया जिसे बोलिवर तथा रोड्रिग्विज ने तैयार किया था। बोलिवर और जो तैयार किया था, देखिए पी से प्लाज्मिट और पी से क्या हुआ, इसका पी से प्लाज्मिट, बी से बोलिवर जिन्होंने डेवलप किया था, और आर से क्या था, रोड्रिग्विज था और ये उसका नंबर था, ने तैयार किया था जिसे बायोटेक्नोलॉजी में एज वेक्टर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑसिलेटोरिया, इनमें से क्या ऑसिलेटोरिया में नहीं पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया क्या है, एक नील हरित शैवाल है, मिक्सोफाइसी का या साइनोफाइसी का सदस्य है। ऑसिलेटोरिया में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें जू स्पोर का अभाव होता है, दूसरा इसमें लैंगिक जनन का भी अभाव होता है, तो ऑप्शन इसका ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट म्यूटेशन कंप्राइजिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्यूरिन बाय प्रिमिडिन इज कॉल्ड, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पॉइंट म्यूटेशन में कंप्राइजिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्यूरिन बाय द प्रिमिडिन इज कॉल्ड। देखिए इसके हमें हिंदी का पेपर नहीं मिला तो इसीलिए इंग्लिश में ही आपको दे रहा हूँ, इसे हमारी मजबूरी है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन होता क्या है, ट्रांसवर्जन एक प्रकार का प्रतिस्थान बिंदु या जीन उत्परिवर्तन होता है जिसे पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, जिसमें एक श्रेणी का जो नाइट्रोजिनस बेस है दूसरी श्रेणी के नाइट्रोजिनस बेस में, यानी क्या होता है, प्रिमिडिन का प्यूरिन में, प्यूरिन का प्रिमिडिन में बदल जाता है, अर्थात प्यूरिन से एडनिन और गुआनिन। प्यूरिन में क्या आते हैं, प्यूरिन में आते हैं एडनिन और गुआनिन, तथा प्रिमिडिन श्रेणी जिसमें साइटोथिन थायमिन और यूरेसिल आता है के क्षार से ये प्रिमिडिन श्रेणी के क्षार प्यूरिन श्रेणी के क्षार में परिवर्तित हो जाती है, यानी अदला बदली हो जाती है। जहाँ एडनिन है पता लगा वहाँ थायमिन आ गया, और जहाँ थायमिन है पता लगा वहाँ गुआनिन आ गया, तो ये अदला बदली हो जाती है, तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिम्बर यील्डिंग प्लांट सोरिया रोबुस्टा बिलोंग टू द फैमिली। देखिए जो टिम्बर बनते हैं या बड़े बड़े गट बनते हैं, और सोरिया रोबुस्टा से किससे बनते हैं, सोरिया रोबुस्टा, तो सोरिया रोबुस्टा होता क्या है, तो अब बताइएगा, तो साल को बोलते हैं, साल का जो वृक्ष होता है जिसे सोरिया रोबुस्टा होता है, कहता है इसकी फैमिली क्या है। अभी देखिए इसने कितना अच्छा फैमिली पूछा, तो वो इसकी फैमिली होती है डिप्टेरोकार्पी, क्या होता है, डिप्टेरोकार्पी होता है, ये इसकी फैमिली के अंतर्गत आता है। साल का उपयोग फर्नीचर, रेलवे के स्लीपर, पुल तथा मकान आदि बनाने के काम में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सर्व्स एज एन इंटर कैसेल्टिंग एजेंट ऑफ डीएनए, तो वो कौन सा होता है, नाइट्रो
सो ग्यूनिडीन होता है, हम आपको इसके बारे में बता दें, इंटरकैलेटिंग जो कारक एक प्रकार का रासायनिक या केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं जो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारों के जोड़े में परिवर्तन करते हैं। नाइट्रोसोगुआनिडीन एक ऐसा ही उत्परिवर्तक है, तो इसका ऑप्शन पहला सही था। कौन सा था ये, फिर से सुन लो, इंटरकैलेटिंग फैक्टर एक प्रकार का रासायनिक उत्परिवर्तक होते हैं जो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारों के जोड़े में परिवर्तन करते हैं। नाइट्रोजनी क्षार तो आप जानते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। नाइट्रोसोगुआनिडीन एक ऐसा ही उत्परिवर्तक है, तो चूंकि इसमें ये ऑप्शन दिया था तो यही सही माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स इज द, तो उसमें क्या होता है, द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जैसे राइजोबियम है तो वो रूट में जो फिक्सेशन करता है, तो एटीपी का सोर्स क्या होता है, तो वो होता है पाइरुवेट। क्या होता है, पाइरुवेट जो होता है वो सोर्स होता है, ध्यान रखना। जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पाइरुवेट एटीपी का स्रोत होता है, तो ध्यान रखिएगा पाइरुवेट। एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फॉर पीएस सेकेंड टू पीएस फर्स्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या होता है, तो वो होता है प्लास्टोसाइनिन। क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन कॉपर युक्त जल में घुलनशील प्रोटीन है, यह आक्सीकृत अवस्था में नीला रंग प्रदर्शित करती है। यह पिगमेंट सिस्टम सेकेंड के अपचयित साइटोक्रोम B6F यौगिकों से P700 के अल्फा अणुओं को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इज 10, द डिस्टेंस बिटवीन कंसर्ट जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इन मैप यूनिट्स विल बी, तो आप इसको बताइएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा 10 ही सही होगा। कितना है 10, हम आपको बता दें, यदि 1% रिकॉम्बिनेशन होता है तो एक मैप यूनिट होती है, तो चूंकि 10% है तो 10 होगा। अगर यहाँ दिया होता 90% इज 90, यानी 1% पे एक यूनिट गैप होती है, ध्यान रखना, एक पे एक यूनिट, दो पे दो यूनिट, तीन पे तीन, तो 10 पे 10 यूनिट गैप होगी। तो सिंपल सी बात, ऑप्शन 10 ही सही। अगर यहाँ 90 दिया होता तो आंसर 90 होता, 20 दिया होता तो 20 होता। चलिए, तो जितना वो होता उतना ही गैप होता है। इन ए 3-point टेस्ट क्रॉस ए बी सी, एलील्स दिए हुए या जीन्स दिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इंस्टेड ऑफ 8 क्लास ओनली फॉलोइंग 6 क्लास वर ऑप्टेंड ए बी सी ए बी सी स्मॉल स्मॉल ए कैपिटल बी सी, देख लीजिएगा, व्हाट विल बी देयर ऑर्डर ऑफ द जीन्स, तो इनका सही ऑर्डर्स क्या होगा, बी सी ए होगा। क्या होगा, बी सी ए। 8 क्लासेस के बजाय एक 3-point टेस्ट क्रॉस में 6 क्लासेस प्राप्त होते हैं, इसमें जीन का क्रम बी सी ए होगा। फिर देखते हैं, ट्राइटिकल क्रॉप्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, तो वो क्या होगा, जो ये प्राप्त किया गया था तो व्हीट और ओट से प्राप्त किया गया था। ट्रेटकल मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया प्रथम पौधा है, जो कि गेहूं तथा राई यानी ओट के बीज में क्रॉस के द्वारा हुआ था, एलो पॉलीप्लॉइडी से उत्पन्न होता है। गेहूं और राई का वनस्पतिक नाम क्रमशः ट्राइटिकम एस्टिवम तथा सीकेल सीरियल होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसके आंसर, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द मैक्सिमम, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं। आर की वैल्यू ऑफ 4 मे बी एक्सपेक्टेड द कंप्लीट ऑक्सीडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो किसका होगा, ऑक्सैलिक एसिड का होगा। किसका होगा, ऑक्सैलिक एसिड का होगा, ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला होता है वैल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वैल्यूम ऑफ O2, तो जो ऑक्सैलिक एसिड के फार्मूले में क्या CO2 4 निकलते हैं, तो 4 अपॉन 1, तो इसका आंसर 4 आएगा।
और हमारा इसका श्वसन गुणांक का एक प्लेलिस्ट में वीडियो देखेगा, नोट्स में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, तो जितने भी पौधे हैं सबका हमने श्वसन गुणांक बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कम से कम 20-25 पौधों के हमने श्वसन गुणांक बताए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो आपको ढूंढना जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द फैमिली पाल्मी, तो जो पामी फैमिली है उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, आरिकेसी है। क्या है? आरिकेसी। सात फैमिलियां हैं जिनके नाम बदले गए थे, तो उनमें से ये कौन सी है अल्टरनेट ऑफ द फैमिली पामी, सो उसका नाम एरिकेसी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड, तो क्या होता है ध्यान रखिएगा, लाइस कर देती है, तोड़ देती है, खत्म, वायरुलेंट होते हैं वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन बैक्टीरिया सेल को नष्ट कर देते हैं वो वायरुलेंट कहलाते हैं, जो नष्ट नहीं करते हैं वो टेम्परेट कहलाते हैं। पिरिमिडीन डाइमर्स इन द डीएनए आर फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज टू, तो किससे एक्सपोज होती हैं वो, तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिससे वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो हम इसका कुछ आपको जानकारी भी दे दें कि जो कोशिकाएं होती हैं विशेषकर मानव की त्वचा कोशिकाओं पर जो यूवी रेस का होता है आपतित होने से साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर की उत्पत्ति के रूप में डीएनए की क्षति प्रदर्शित होती है और यह त्वचा कैंसर का कारण बनती है। प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध किया गया है कि वास्तव में पिरिमिडीन डाइमर परावैंगनी विकिरणों के त्वचा कोशिकाओं पर आपतित होने से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स विच हैज द प्रॉब्लम ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, तो अब बताएगा इसका आंसर सही क्या है। तो उसका ऑप्शन है जो मरकरी होती है, फंजीसाइड्स, अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ, खरपतवार नाशी से वीडीसाइड बोलते हैं या फंजीसाइड्स, अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ का जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है, ये पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनकी सांद्रता प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर बढ़ती जाती है, उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है, इस क्रिया को जैविक आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तो है नहीं, एनोटू के ही है, मरकरी नष्ट नहीं होती है, और कुछ फंजीसाइड्स जो मरकरी फंजीसाइड्स होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, और इसके अलावा डीडीटी भी इसके अंतर्गत आता है अगर आपने ध्यान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर ट्रिपल मोनोसोमिक इज, तो ट्रिपल मोनोसोमिक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप बताएगा ट्रिपल मोनोसोमिक का 2n-1-1-1 होता है, ट्रिपल जो तो यहाँ ट्रिपल शब्द दिया है, ट्रिपल मोनोसोमिक, मोनोसोमिक का क्या होता है 2-1, और डबल मोनोसोमिक का क्या हुआ 2n-1-1, तो ट्रिपल बोला हुआ, तो ये पहला वाला होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।